खंभा आ गया, खंभा खंभा आ गया, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, थैंक यू चेयरमैन मैडम, आपने इस बिल के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। इस बिल के बारे में सभी ने बहुत उच्च स्तरीय बात रखा और असम के तरफ से भी इस बात को रखा। अभी असम में बहुत ही लोगों का ऊपर थोड़ा एप्रिहेंशन है, इस बिल के बाद असम में क्या होगा, एग्जीक्यूशन भी चल रहा है। मैडम 1979 से ये असम आंदोलन हुआ था, असम एग्रीटेशन हुआ था और 6 साल आंदोलन के बाद आसू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ असम एकॉर्ड हुआ। और हमारा असम के लोगों का एप्रिहेंशन है और मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट है सबका जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका जो एप्रिहेंशन है, सबको रिड्रेस करने का उन्होंने काम किया। सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात किया, ऑल चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात हुआ, उसके बाद बिल को ड्राफ्ट किया गया। फिर भी असम के लोगों में थोड़ा सा एप्रिहेंशन है, तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहूँगा, असम एकॉर्ड हुआ था, असम एकॉर्ड का मूल बिंदु था कि असमीज लोगों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, असमीज लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए और असमीज कल्चर और असमीज लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर असम एकॉर्ड हुआ था। लेकिन इस असम एकॉर्ड का मूल जो आत्मा था उस आत्मा के ऊपर काम नहीं हुआ, बाकी बिंदुओं पे काम हुआ लेकिन इस बिंदु पे काम नहीं हुआ। अभी पहली बार हमारे सरकार इस बार असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनाया हुआ, उस कमेटी के थ्रू हम लोग आशा करते हैं और मैं भारत सरकार को अनुरोध करना चाहूंगा, असमीज लैंग्वेज को राज्य भाषा का मर्यादा देना चाहिए और हमारे जितने भी वहाँ पे कम्युनिटी है 6 कम्युनिटी को जेस्टी स्टेटस देने का बात कह रहे हैं, उनको एसटी स्टेटस देना चाहिए और असम एकॉर्ड को असमीज लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए वो क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे जो भी विधानसभा है उस विधानसभा को प्रोटेक्शन देना चाहिए और क्योंकि बाकी 6 सिटी एरिया को, बाकी एरिया को प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो इसके लिए हम चाहेंगे उसको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में जो एप्रिहेंशन है उसको भी रिड्रेस किया जाए, इसके ऊपर मैं आशा करता हूँ भारत सरकार इस बिंदुओं के ऊपर देख के इसके ऊपर काम करेगी। थैंक यू वेरी मच।